घोडा चाले त्याच पाऊल पड त्याच नंद गेला ग मुंबईल त्याच नंद गेला ग मुंबईल मुंबई कर माझे डाकले डेरा माल साडी आण जो फयटांची माल साडी आण जो फयटांची कोणाय तुझी कंबर बारीक तुला नाय साज फाटन साडी तुला नाय साज फाटन साडी घोडा चाले त्याचा पाऊल पड त्याचा नंद गेला ग मुंबईल त्याचा नंद गेला ग मुंबईल मुंबई कर माझे डाकले डेरा माल पोलकान ज फायटनचा माल पोलकान ज फायटनचा माय कोणाय तुझी साथी बारीक तुला नाय साज फाटन पोलका तुला नाय साज फाटन पोलका बापाची भेट घिया गेली कोणाय बाय खदा दिलड कोणाय बाय खदा दिलड माईची भेट घिया गेली कोणाय बाय खदा दिलड बघत मेरवा लागी येला कोणाय बाय पाणी लडे कोणाय बाय पाणी लडे नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत की टीम आजकल महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में है। यहाँ के अलग अलग आदिवासी समुदायों से मिल रही है और इस सिलसिले में आज हम लोग ट्राइबल किचन के इस ख़ास एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि वारली आदिवासी समुदाय के लोग कैसे मिलजुल कर काम करते हैं, उनकी शादी ब्याह में, उनके उत्सवों में, उनके पर्व पर किस तरह से दावत होती है, क्या क्या बनाया जाता है। आज यहाँ पर हम दहाणू तहसील है, ये झारलीपाड़ा गांव है और वाकी ग्राम पंचायत है। यहाँ की कुछ महिलाओं के साथ आप हमें देख सकते हैं। आपने देखा कि कैसे इन सारी महिलाओं ने गीत गाते हुए इस दावत की तैयारी की, प्याज काटी, लहसुन अदरक जितनी भी तैयारियाँ होती हैं वो सब तैयारियाँ की और अब ये महिलाएं ही मिलकर ये इस दावत का खाना बनाएंगी। इसमें दाल बनने वाली है और मटन जो है वो पकाया जाएगा और उसमें आलू मिला के कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको देख के आपको मज़ा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी आदिवासी समुदायों के बारे में। हीरू मेरे साथ हैं, इनकी लीडरशिप में ये पूरा खाना बनेगा। तो शुरू करें, क्या करना है सबसे पहले? तेल डालो ना। तेल ले आइए, तेल दे दीजिए। लीजिए कांदा लाइए लाइए दे दीजिए लीजिए। ये है लहसुन, लीजिए। और ये अदरक लीजिए।
टमाटर दे। टमाटर टमाटर लीजिए। लाइए थाली मुझे दे दीजिए। तो दोस्तों जब तक प्याज टमाटर लहसुन और अदरक भुनने में थोड़ा समय लगेगा, इस बीच में हीरू ने उनको कहा है कि दाल भी चढ़ा दीजिए। तो दाल के लिए पानी उसमें भिगोने में चढ़ा दिया गया है और अब इसमें ये धौन तक धौन धौन मूंग की दाल है। तो पीली दाल जिसको हम लोग बोलते हैं मूंग की दाल, वो बनाएंगे। लीजिए लाइए, तब तक मैं चला दूं इसको। दे दीजिए, लीजिए। कितनी टकेल दे लाल मसाले। अभी कुछ डालना है इसमें? मसाला। अच्छा मसाले डालने हैं। हाँ। ठीक है। पानी वाला दे दे। गरम मसाला डाला है? हाँ, गरम मसाला। अच्छा मसाला दे, चिकट मसाला दे, चटनी दे। चटनी चटनी माने चटनी माने लाल मिर्च। लीजिए। आपले लोकल सवय आहे खाती। हल्दी दे, हल्दी हलद लीजिए। मीट दे। ये क्या है? मीट। मीट माने नमक, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। भारत बहुत बड़ा देश है और बस ना अलग अलग भाषाएं हैं, भाषाओं के भी अपने अपने लहजे हैं। लीजिए मीट। मीट टकला था तो मीट में मीट डाला गया है। अथा भाजी दे। भाजी लाइए, भाजी तो भारी है। लाइए मैं मदद कर देता हूँ। लीजिए डालिए। क्या है? आलू पूरा नहीं डालना है? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अभी जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी दावत में जब वारली आदिवासी समुदाय के लोग खाना बनाते हैं तो सब मिलजुल कर खाना बनाते हैं और ये मटनाची भाजी यानी के मटन पकाया जा रहा है और इसमें बटाटा, हिंदी फिल्मों का ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर है कि बटाटा माने आलू होता है, ये लगभग हम सभी जानते हैं। तो मटन और आलू इसमें डाल दिया गया है, इसको अभी थोड़ी देर भाप दिया जाएगा और उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस शुरू होगा। दाल चढ़ाई जा चुकी है। अच्छा आप ये बताइए कि जब आपके यहाँ शादी होती है तो आपके गांव के लोग इकट्ठा होते हैं
और बारात भी आती होगी, हाँ, लड़के वाले आते हैं, हाँ, तो कैसे दावत की कब होती है, रात को होती है या सुबह होती है या दोपहर को होती है, कब होती है? अच्छा, मतलब रात को भी होती है, सुबह भी होती है, दोपहर को भी होती है। तो क्या एक दिन से ज्यादा रहते हैं जब लोग आते हैं यहाँ पे? दो दिन रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो सुबह और दोपहर और शाम को अलग अलग खाना बनता है या एक ही तरह? अलग 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 अलग। तो सुबह क्या क्या बनाते हैं? सुबह तो चिकन, हाँ, दाल, हाँ, नजीवन। अच्छा, और दोपहर को क्या बनाते हैं? दोपहर पुलाव, नासी दाल, उसे वांगी की भाजी, हाँ, उसे। और रात को? रात रात को मटन बनता है। थोड़ा कुछ तो ना डालिए डालिए। नहीं तो ही बर्बर है। ना झूम डाला है तो तो दोस्तों मटन जो है उसको ढक दिया गया है, अब इसके गलने का इंतजार किया जाएगा और दाल का प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसमें क्या करना है? लीजिए कांदा। तो दाल जो उबल रही है, लगभग उबल चुकी है, उसमें अब प्याज डाल दिया जा रहा है। ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रोसेस है। जी लीजिए। तो दाल में टमाटर भी डाल दिया गया है, पहले प्याज डाली गई थी, प्याज को दाल के साथ उबलने दिया गया, फिर टमाटर डाल दिया गया है और इसको थोड़ा सा हल्का सा हिलाया गया है, लेकिन पूरी तरह से उसको मिक्स नहीं किया गया है। और अब इसको ढक देंगे जिससे कि टमाटर जो है वो गल जाए। ये थोड़ा अलग तरह का प्रोसेस है। जनरली हम लोग जब दाल बनाते हैं तो पहले दाल को बॉयल कर लेते हैं और फिर प्याज, टमाटर, लहसुन, हींग, जिसके भी साथ आपको तड़का लगाना होता है उसके बाद तड़का लगाते हैं। लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा अलग तरह से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इस दाल की खासियत है, जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, इसका जो पूरा प्रोसेस है, पहले प्याज डाला गया है, टमाटर डाल के इसको ढक दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मूंग दाल जो है वो पूरी तरह से गल चुकी है, प्याज और टमाटर उसके साथ मिक्स हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि टमाटर डालने के बाद उसको ढक दिया गया था और अब उसको अच्छे से दाल को मिक्स कर दिया गया है। तो बहुत स्मूथ दाल हो गई है, पूरी तरह से नहीं गली है लेकिन काफ़ी गल गई है। लीजिए चटनी माने लाल मिर्च, थोड़ी हलद यानी हल्दी। मीट, मीट माने नमक। बस लीजिए। मीठे टकला सा अब इसको ढक देंगे। चलिए साहब।
क्या दाल को उतारना है? हाँ उतारिए उतारिए प्लीज। अच्छा इधर से मुझे पीछे होना पड़ेगा, ठीक है आइए। तो दाल को उतार के दूसरे एक भिगोने में पलट लिया गया है, तो दाल तैयार हो गई है। कुछ और भी करना है इसमें अभी? अच्छा अच्छा, अभी इसमें तड़का लगाएंगे आप? अच्छा अच्छा, लाइए। ये क्या है? लहसुन लीजिए। थोड़ी कुटक, अच्छा थोड़ी कुटक लीजिए। इसमें लहसुन और हरी मिर्ची, लहसुन और हरी मिर्ची कुटी हुई, वाह। लीजिए थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत बढ़िया, क्या खुशबू आई है। टका था जटा अंबाड़ी। हम तो आदिवासी थे। अंबाड़ी, अंबाड़ी यानी के ये एक भाजी है, पत्ता है अंबाड़ी का, खट्टी। ये खट्टा होता है, कई जगह गुजरात में हमने देखा था इसको खट्टी भिंडी का पत्ता कहते हैं, और बस्तर में भी आपने देखा होगा कि हमने इसका इस्तेमाल खाने में होते हुए देखा था। लीजिए, यहाँ पे इसको अंबाड़ी बोला जाता है। पीली दाल में हरी अंबाड़ी जब डाली गई है तो इसका रंग बहुत खूबसूरत बन गया है, और इसका स्वाद भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा इससे, क्योंकि इसमें हल्की खटास होती है। तो दोस्तों, मटन पकने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन दाल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और नीलम इसको उतारने के लिए तैयार खड़ी हैं। नीलम जी उतार लीजिए, वाह देखिए। तो दोस्तों, मटनाची भाजी तैयार हो चुकी है, यानी कि आलू मटन जो बनाया है हीरू ने और उनकी साथियों ने, वो पक चुका है, उसको उतारने के लिए वो तैयार हैं। उतार लीजिए और उसके बाद इसका स्वाद इन लोगों के साथ दावत में हम भी चखेंगे। Thank you.